उत्तराखंड में पिछले पौने दो महीने से चली आ रही राजनीतिक उठापटक के बीच सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाया गया। इस शक्ति परीक्षण के बाद हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें बहुमत मिलने का पूरा भरोसा है। विधानसभा में मत डालने के बाद खुशी से भरे हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड पर मंडरा रहे अनिश्चितता के बादल बुधवार को छट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सी के मालिकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक दिल्ली एनसीआर में बेरोक टोक चल सकेंगी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी डीजल कार का टैक्सी के तौर पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि टैक्सी सिर्फ पेट्रोल या सीएनजी से ही चलेंगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस परीक्षा 2015 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। पहले स्थान पर ग्रेटर नोएडा की रहने वाली टीना डाबी, दूसरे स्थान पर अथर आमिर उल शाफी खान और तीसरे स्थान पर जसमीत सिंह संधू है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक चुनावी रैली में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मुद्दे पर इतालवी अदालत द्वारा सोनिया गांधी का नाम लिए जाने संबंधित कथित बयान के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। अमित शाह ने सोनिया गांधी पर मंगलवार को निशाना साधा। एक दिन पहले ही सोनिया ने कहा था कि भले ही वे इटली की हैं, लेकिन भारत में ही आखिरी सांस लेंगी। इस पर बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहा कि सोनिया जी कल देश प्रेम की दुहाई दे रही थी। सोनिया जी, आपको देश को बताने की जरूरत नहीं है, देश आपके पुत्र प्रेम को और नेशनल हेराल्ड के प्रति आपके प्रेम को जानता है। आपको बता दें कि अगस्ता डील में करप्शन को लेकर नरेंद्र मोदी ने सोनिया पर निशाना साधा। इसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने सोमवार को बयान दिया था। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी का कहना है कि पाकिस्तान को भारत पर हमलों के जिम्मेदार लोगों में से कुछ को सिर्फ घर में नजरबंद कर देने या अन्य को खुला छोड़कर भाषण देते रहने के बजाय उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हक्कानी ने यह भी कहा कि अगर जिहादी समूहों को खतरे के रूप में नहीं देखा जाता और पाकिस्तान द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो पठानकोट वायुसेना अड्डे जैसे और हमले होते रहेंगे। शशांक मनोहर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वे क्रिकेट की शीर्ष संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के स्वतंत्र अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी बीसीसीआई में सुधारों को लेकर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिश आने के बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि मनोहर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही मनोहर ने आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रतिनिधि के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्री श्री रविशंकर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का केस चलाया जाए। श्रीशी ने मीडिया में दिए बयान में कहा था कि एनजीटी का 5 करोड़ का जुर्माना राजनीति से प्रेरित था। कल की तूफानी तेजी के बाद आज बाजार में सुस्ती का माहौल देखने को मिला, लेकिन कारोबार खत्म होने के आसपास थोड़ी खरीदारी जरूर लौट आई। अंत में सेंसेक्स और निफ्टी 0.25% से ज्यादा बढ़कर बंद हुए हैं। आज की तेजी में सेंसेक्स 25,800 के पार पहुंचा, तो निफ्टी 7,900 के करीब पहुंचकर बंद हुआ।